బ్యాక్ టు న్యూస్. ఇక విజయవాడ విద్యాధర్పురం మినీ స్టేడియంలో ఇఫ్తార్ విందులో సీఎం జగన్ పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. सामने आते हैं, इधर से हटिए भाई, इधर से हटिए भाई, भाई सब लोग इधर आ जाए भाई, यहाँ नको भाई, उधर आ जाओ भाई, क्या है, पीछे से आ जाओ आप लोग. आराम से बैठे भाई, आराम से बैठे, मेहरबानी फरमाकर आराम से बैठिए, गड़बड़ मत कीजिए भाई. शुक्रिया भाई. भाई आराम से बैठिए भाई, गड़बड़ मत कीजिए, अल्लाह के वास्ते थोड़ा आराम से बैठिए सभी हजरात भाई, आप लोग आराम से बैठिए भाई, दुआ जिक्र में लगिए भाई, भाई वक्त को बर्बाद मत कीजिए, आराम से बैठिए भाई, साहब को माइक दीजिए, बरा पीछे हटो भाई, शब्द बैठ जाओ, आप एक जगह बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ भाई, कहीं को गड़बड़ कर रहे भाई, वही रहे छोड़ो, उसलिए उठो बोल रहे. అస్సలాము అలైకుమ రహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్. ఇక్కడికి విచ్చేసిన నా ముస్లిం సోదర సోదరులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, భాయ్యో ఆప్ సబ్కో మాహె రంజాన్ ముబారక్ హో. ఆజ్ హుకుమత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి తరఫ్ సే హమారే హర్దిల్ అజీజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సాహబ్ కే జేరే నిగ్రానీ మే आज दावत इफ्तार यहां पे मुनाकिद किया गया है, जिसमें हमारे और आप सबके चहीते हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब यहां पे शिरकत फरमा है. मैं तमाम आप सबके तरफ से मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस दावत इफ्तार में आके यहां पे चार चांदनी लगा दी, और उसके बाद आप सबकी दुआओं से, आप सबकी बदौलत आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आज एकता में आई. आप सबकी दुआओं की बदौलत आज हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब जब से वो कुर्सी संभाले हैं वो हमारे मुसलमान के खैरख्वाह हैं. आज देखते हैं कि हिंदुस्तान में कौन से भी स्टेट में ऐसे स्कीम्स नहीं हैं जो हमारे आंध्र प्रदेश में हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब आज अमल में ला रहे हैं. जो नवरत्नालु के तहत कई लाखों करोड़ों लोगों को आज फायज पहुंच रहा है. आप सबको मालूम है कि खुसूसन मुसलमानों को, मैं समझता हूं हम गर्व के साथ भी कहना पड़ता है कि जितने भी स्कीम्स आज हमारे स्टेट में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स आज हमारे माइनॉरिटीज को मिल रहे हैं, बल्कि मैं बहुत फखर के साथ भी कहता हूं. आपको मालूम है गुज़िश्ता हुकूमतें कैसे थे, आप सबके मालूम है गुज़िश्ता जो पांच साल चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत, जो पांच साल में सिर्फ 2650 करोड़ माइनॉरिटीज के लिए खर्च किया था, मगर आज हमारी हुकूमत, हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब सिर्फ चार साल में 2000 करोड़ रुपए आज माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए उन्होंने खर्च किया है. ये हिंदुस्तान में कौन से भी ऐसे सूबे में ऐसा वेलफेयर स्कीम्स माइनॉरिटीज के लिए नहीं लेके आए, ये हम सबको मालूम है. हमारे को हमारे मरहूम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब आज मुसलमानों के दिलों में एक जगह बना चुके हैं, जिससे हम सबको आज 4% रिजर्वेशन मिल रहा है. आज हमारे बच्चे उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं, और उसके बाद आज हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए आज कई हजारों करोड़ आज हमारे माइनॉरिटीज को दे रहे हैं. आज देखते हैं अपने वालिद माइनॉरिटीज को और क्या है रिजर्वेशन दिए, फीस रिएम्बर्समेंट दिए, मगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आज माइनॉरिटीज को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने वाला एक ही शख्स है हिंदुस्तान में, वो वही शख्स हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब, बोल के आप सबसे कहता हूं.
आज मैं आप सबके सामने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बात कर रहा हूं, बोले तो अल्लाह ताला के बाद आज हमारे हरदिलाजीज चीफ मिनिस्टर जो मुझको ये इज्जत बख्शा है बोल के मैं आप सबसे कहता हूं। आज देखते हैं कि आज असेंबली में चार एमएलए हैं, क्या बोलते हैं, एमएलसी चार लोग हैं, उसमें एमएलसी में भी आज हमारी जकिया खानम आपा को आज डिप्टी चेयरमैन, ये कोई हिस्ट्री में कौन सा चीफ मिनिस्टर भी आज तक नहीं दिया। आज देखते हैं कि कई स्टेट चेयरमैन आज कई ओहदों पे आज माइनॉरिटीज को फायज आई, बोले तो आज हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब श्री वैएस जगनमोहन रेड्डी साहब की बदौलत बोल के आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब इस हुकूमत का साथ दीजिए। आज बहुत से लोग आ रहे हैं, आज बहुत से लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज को ये करेंगे, हम माइनॉरिटीज को वो करेंगे। आप सब ठीक है, बैक टू न्यूज़ से इफ्तार विंदलो पालगुना सीएम जगन मातलाडुतुन्नारु, इप्पुडु लाइव चूद्दाम। कि अब राष्ट्र के लिए आप सबके सब दुआ करें और राष्ट्र को अच्छा हो जाए। वंस अगेन सबको एडवांस ईद मुबारक, दुआ हो रही भाई, सब सारे हजरत आमीन कहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب خطاکار ہیں، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ جب تک جئیں اسلام پر جینا نصیب فرما، اے اللہ جب تک جئیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر سانس لینا سانس چھوڑنا نصیب فرما، اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ تیرے بندے بندیاں یہاں جمع ہیں، اے اللہ ان سب کے افطاروں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے درمیان ہمارے ہردل عزیز چیف منسٹر جناب وائس جگن موہن ریڈی صاحب موجود ہیں، اے اللہ ہمارے سی ایم صاحب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب جو 175 کا ٹارگٹ بتائے ہیں، اے اللہ اس میں انہیں خوب کامیابی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے جو ہے وائس جگن موہن ریڈی صاحب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، اے اللہ مینارٹیز کے اوپر بڑے جو ہے رحم دل ہیں، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے والد مرحوم جناب آ جہانی ڈاکٹر وائس راجہ شیکر ریڈی صاحب، اے اللہ جو خدمتیں ہم سب کے لیے کیے ہیں، اے اللہ ان تمام کو قبول فرما، قوم اور ملت کے لیے جو ہے بڑے رحم دلی کے ساتھ، اے اللہ جو 4% ریزرویشن دے کر گئے ہیں پورے ہندوستان میں پورے انڈیا میں۔